नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा, आप बहुत अच्छी बोली। अपनी तारीफ सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं इकरा हसन। जी हाँ, 18वीं लोकसभा में यूपी की कैराना लोकसभा से चुनी गई युवा सांसद इकरा हसन की वैसे तो हर जगह तारीफ होती है, लेकिन उनके सियासी विरोधी भी देश की संसद में उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। सरकार के सीनियर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इकरा हसन के बोलने के अंदाज के मुरीद हो गए हैं। लोकसभा में 2 अगस्त को जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी बात रखने खड़े हुए, तो उन्होंने सबसे पहले कैराना सांसद इकरा हसन की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक नई सदस्य आई हैं इकरा हसन, सोशल मीडिया पर भी खूब फेमस हैं। मैंने उनका भाषण आज सुना, बहुत अच्छा बोली। तारीफ के साथ साथ केंद्रीय मंत्री प्रधान ने इकरा हसन को बधाई दी, लेकिन अपने अंदाज में ये भी कह दिया कि जब मन से बोल रही थी तो ठीक बोल रही थी, लेकिन जब पार्टी वाली बात आती है तो थोड़ा भ्रमित हो जाती थी। ये सुनकर सांसद इकरा हसन भी मुस्कुरा दी। नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा, आप बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। मैं बताना चाहूँ, दरअसल यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आई इकरा हसन ने 26 जुलाई को अपने पहले ही भाषण में शामली, प्रयागराज और वैष्णो देवी के बीच रेल संपर्क पर जोर दिया था। उन्होंने वैष्णो देवी धाम के लिए सीधी ट्रेन मांग कर काफी सुर्खियां भी बटोरी। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। इसके बाद सांसद इकरा हसन ने अपने लोकसभा में क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी मांगों को सदन में रखा, जिसमें उन्होंने शिक्षा मंत्री से अपने क्षेत्र में नए डिग्री कॉलेज खोले जाने से लेकर गर्ल्स हॉस्टल बनाने और शिक्षा मित्रों को लेकर अपनी बात रखी। इकरा हसन ने शिक्षा को लेकर जो बातें रखी उसकी सदन में काफी तारीफ हुई। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में बेहद दमदार तरीके से अपनी बात कही। यही वजह रही कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी इकरा हसन के लिए बोलना पड़ गया। Speak on the demand for grants of the Ministry of Education. And while the Union Ministry of Education recently celebrated the 4th anniversary of NEP 2020 with a week-long Shiksha Saptah, this grandstanding does nothing to address the stark reality. And as a member who have very recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the government might think. Despite NEP 2020's clear directive and the Kothari Commission's long-standing recommendation for 6% of GDP in education, the Ministry of Education's allocation is less than half of what has been recommended. आपको बता दें कि कैराना से सांसद इकरा हसन ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से की है। इसके बाद उन्होंने लंदन में अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। उनका परिवार पिछले 40 सालों से इलाके की सियासत में सक्रिय है। उनकी मां सांसद रही हैं, भाई विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपने चुनाव कैंपेन और अब सांसद बनने पर अपनी जोरदार तकरीरों के लिए इकरा हसन को उनके विरोधी भी सराह रहे हैं। ये बड़ी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा सोशल मीडिया और संसद में लोकप्रिय 29 साल की युवा सांसद इकरा हसन अपने लोकसभा क्षेत्र कैराना के लिए कैसे जूझती हैं और देश की सियासत में कितना मजबूत मकाम हासिल कर पाती हैं। नई सदस्य आई है इकरा हसन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा, आप बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई।